रायबरेली में इन दोनों साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे। इसी बीच पुलिस के हाथ बिहार राज्य का एक ऐसा ठग गिरोह हाथ चढ़ा है जो सतीराना अंदाज से फर्जी वेबसाइट का बिल बनाकर ग्राहकों को लाखों रुपए का चूना लगा देता था। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने ठगों के कारनामों को खुलासा करते हुए कहा कि पकड़े गए ठग बिहार राज्य के भोजपुर पटना जिले के निवासी हैं। ठगों ने जिले के एक युवक से फर्जी वेबसाइट के जरिए बिल जारी कर 8 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की है, जिसकी तहरीर पर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस को काफी दिनों से इन शातिर ठगों की तलाशी थी और पकड़े गए ठगों के पास से 9,25,000 रुपये नकद और 4 एंड्रॉइड फोन जब्त हुए। प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए राम भवन रायबरेली उत्तर प्रदेश। वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और उनकी अपनी एक कंपनी कुछ मशीन, वो जो पत्तल वगैरह बनाने की मशीन को सप्लाई करते हैं, उसकी ट्रेडिंग का काम करते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया है वो उनके लिए वो भी काम करता है, उनका एम्प्लॉय भी है और बाकी काम भी करता है। तो ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं और अपने जो जिनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसका गलत उपयोग करके ये ऑनलाइन फ्रॉड का काम करता है। थैंक यू।